बांग्लादेश कहीं से भी मैच में नहीं रहा। बांग्लादेश ने बैटिंग बांग्लादेश ने टॉस जीत कर बैटिंग करने का फैसला किया था, और बैटिंग करने में बांग्लादेश की बैटिंग बहुत ही अच्छी बुरी तरह स्कोरलेस की। उसके बाद जब बॉलिंग की भी बात आई तो बॉलिंग में भी बांग्लादेश पूरी तरह फ्लॉप रहा। इंडिया का एक भी विकेट बांग्लादेश की बॉलर नहीं ले पाए। सिर्फ हाली वर्मा ने 28 बॉल पर 26 रन, वहीं स्मृति मंधाना ने 39 बॉल पर 55 रन बनाकर 10 मात्र ग्यारह ओवर में चेज कर दिया 80 रन और एक भी विकेट। इंडिया ने बांग्लादेश को 10 विकेट से हरा दिया। हम आपको बता दें कि बांग्लादेश ने टॉस जीतकर बैटिंग करने का फैसला किया था। जैसे बैटिंग करने उतरे बांग्लादेश की बैटिंग पूरी तरीके से फ्लॉप रही। रेणुका सिंह ने नए गेंद से पूरी तरह बांग्लादेश को पीछे कर दिया। जब वही मिडिल ऑर्डर में राधा यादव, जब इंडिया के बैटिंग की बारी आई तो इंडिया के ओपनरों ने ही मैच खत्म कर दिया। चाहे शेफाली वर्मा हो या स्मृति मंधाना, दोनों नॉट आउट हुए और मात्र ग्यारह ओवर में चेज कर दिया टारगेट को और एक भी विकेट नहीं खोया। इंडिया फाइनल में पहुंच चुका है और आज शाम को मालूम चल जाएगा कि इंडिया के साथ कौन फाइनल में होगा, श्रीलंका होगी या पाकिस्तान। का आज सेमीफाइनल टू खेले जाने वाला है सात जैसे, तो देखना होगा। उस मैच में भी ध्यान देना हो कि आखिर इंडिया को कौन फेस करता है फाइनल में, पाकिस्तान या श्रीलंका। दोनों में से जो जीतेगा वो 29 तारीख को इंडिया से भेजेगा एशिया कप फाइनल के लिए। तो आप हमारे चैनल को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ऐसे खबरों के लिए प्लीज़। ऐसे पूरे एशिया कप में इंडिया ने एक तरफा मैच जीता है। अपोनेंट को कहीं से भी कोई चांस नहीं दिया कि वो कुछ कर सके, चाहे पाकिस्तान के खिलाफ लीग स्टेज में हो।